हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आपका फैन खराब हो जाए तो आप ये गलती ना करें। मैं बता रहा हूँ, दो फैन का मैं बात बताऊंगा आपसे। पहले वाले फैन में मुझे दो फैन बनाने को मिला। पहले वाले फैन में क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने सप्लाई दे के चेक किया, फैन बिल्कुल अच्छे रफ्तार से चलने लगा। ठीक है, तो फिर जिनका था मैंने उनको लौटा दिया कि भाई आपका फैन बिल्कुल ठीक है, आप फैन के पास सप्लाई सही से नहीं आ रही होगी जिसके कारण आपका फैन नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फैन किसी टेक्नीशियन को देने से पहले ये भी चेक करना है कि आपके फैन के पास सही सप्लाई मिल रही है कि नहीं। दूसरे कंडीशन में क्या है जो इसमें है कि सब कुछ सही है, थोड़ी सी कमी के चलते ये फैन नहीं चल रहा है। ठीक है, और आप इतने के लिए किसी टेक्नीशियन के पास ले जाएं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से खुद बनाएं, अपना फैन खुद बनाएं और आप अपने रिलेटिव का भी खुद से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इस फैन में क्या है, मैंने सप्लाई दिया, स्विच ऑन है, फैन बिल्कुल नहीं चल रहा है। हल्का फुल्का हमिंग साउंड आपको मिल रहा है, फैन बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है, गौर करिएगा आप, हल्का सा हमिंग साउंड मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमिंग साउंड हल्का सा मिल रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ये साफ हो गया कि ये जो वायर जो लगे हुए होते हैं इसमें अंदर आए हुए होते हैं यहाँ तक, ये ठीक है। लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। मैं यहाँ पे एक तार जोड़ रखा हूँ, ठीक है, जो कि प्लग से कनेक्ट किया ताकि बार बार चेक करने में सहूलियत हो। सबसे पहले एक मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगाइए। मल्टीमीटर का वीडियो मैं डाल चुका हूं, आप देख के लाभ उठा सकते हैं। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप एक प्रोब पे दीजिए। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको हटा के यहाँ पे रखिए, फिर यहाँ पे बीप साउंड चेक करिए। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह यहाँ मिल रहा है, यहाँ रख देने से यहाँ मिल रहा है, आपका ये तार बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते थे, इसको डायरेक्ट सप्लाई में लगा के मीटर को एसी रेंज में लगा के, ठीक है, एसी वोल्टेज नाप सकते थे। हाँ, अगर वोल्टेज मिल रहा हो तो ये वायर आपका ठीक होता है, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा सेफ है, फैन अगर उतर गया नीचे तो। इस तरह कर लिए पहला चीज। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अब आपको क्वाइल का कनेक्शन चेक करना है कि कोई क्वाइल तो कटा नहीं है। ठीक है, सभी को आप खोल के निकाल लीजिए। ठीक है, तीनों वायर को आप आराम से, कैपेसिटर निकालिए तो ध्यान से एक ही को निकालिए और उसके बाद यहाँ पे स्पार्क करिए। क्या होता है, कभी कभार क्वाइल कटा होने के कारण कैपेसिटर शॉर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज रह जाता है जिसके कारण कभी कभी इसमें चार्ज जमा रहता है। क्वाइल कटा हो तब, क्वाइल कटा नहीं होगा तो चार्ज जमा नहीं होगा कभी भी। क्वाइल कटा होगा तभी यहाँ पे चार्ज जमा सकता है। आप स्पार्क कर ही लीजिए, पर अच्छा रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये कॉमन वायर है, तीन वायर है, एक कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का, एक क्वाइल एक टर्मिनल को इस वाले वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, इसी को कॉमन वायर बोला जाता है। कॉमन वायर कैसे फाइंड करना है इस पर भी मैं वीडियो दे चुका हूं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वहां जाकर देखें। अगर आपको कॉमन वायर पता नहीं है तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मीटर का एक प्रोब किसी एक तार पर रखिए, किसी एक, मैं नहीं कह रहा कि कॉमन पे रखिए, किसी एक पे रखिए, तीनों पे कंटिन्यूटी चेक करिए। देखिए यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है 3912 और यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 187, दोनों पे रीडिंग मिल रहा है एक तार से। ठीक है, देखिए मैं कॉमन के बारे में फिर से बताता हूँ, यहाँ लगभग 400 के आसपास, यहाँ लगभग 200 के आसपास। ठीक है, तो ये वाला जो है ये कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 207 और यहाँ पे लगभग 190-180। ठीक है, तो जिस वायर पे मीटर का एक प्रोब रखने के बाद दोनों वायर का डिफरेंस बहुत कम आए, वही वायर क्या होता है, कॉमन है। यानी यहाँ से कम आ रहा है दोनों का डिफरेंस, तो ये वायर मेरा कॉमन हो गया, तो क्वाइल की कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक है, क्वाइल की कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल ठीक है। अब आपको कॉमन वायर पे रखते हुए बॉडी प्रेस चेक करिए, यहाँ भी ठीक है। इसका मतलब इसका क्वाइल बिल्कुल ठीक है, मुझे इस फैन को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब सप्लाई सही मिल रही है, क्वाइल सही है, फिर फैन नहीं चल रहा क्यों, तब कैपेसिटर का नंबर आया। ठीक है, आप कैपेसिटर को निकालिए। ठीक है, कैपेसिटर को भी आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रॉपर ये नहीं पता चल पाता, इसका सबसे आसान उपाय कोई रीडिंग नहीं है, जबकि रीडिंग आके चली जानी चाहिए, पर कोई रीडिंग नहीं है, कैपेसिटर ओपन है। अब मैं इसको डायरेक्ट एसी सप्लाई दूंगा और एसी सप्लाई देने पर इसको
चार्ज होना चाहिए, अगर चार्ज ये नहीं होता तो भी ये खराब है। स्विच ऑन है, मैं देखिए दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ कैपेसिटर खराब है, ठीक है, और सिर्फ कैपेसिटर खराब है और इसकी वजह से आप टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे इस फैन को, तो ये ठीक नहीं लगेगा मुझे। वीडियो के माध्यम से आप, मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि आप सब लोग अपना काम खुद से कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए मैं अभी तुरंत दूसरा कैपेसिटर चेक करता हूँ, ठीक है। उसी तरह इसको भी आपको एसी में लगाना है, देखिए स्पार्क मिल रहा है, निकालने पर भी एक स्पार्क मिलना चाहिए, यहाँ पे चार्ज स्टोर होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा स्पार्क कर रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं, थोड़ा भी स्पार्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब ये वाला कैपेसिटर लगाता हूँ। आप फैन में देखिए ये जो है ये 2.25 का है, ठीक है, 2.25। कभी भी आप फैन में कम का ही कैपेसिटर लगाइए, ये मत सोचिए आप कि अधिक का कैपेसिटर लगा दूंगा तो मेरा फैन बहुत तेज चलेगा। तेज तो चलेगा लेकिन जलने का चांसेस भी तेज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, कम कपल लगाए। अगर कम के कैपेसिटर में, कम माइक्रोफेराइड के कैपेसिटर में आपका फैन का स्पीड प्रॉपर मिल रहा है, तो फिर क्या जरूरत है अधिक का कैपेसिटर लगाने के लिए, ठीक है। 400 वोल्ट और 2.25 का लगाइए, बिल्कुल आपका फैन अच्छा चलेगा, अगर क्वाइल अच्छे से रिवाइंड किया गया होगा तो। फिर जैसे जैसे आपने निकाला वैसे वैसे लगा दीजिए, फिर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वीडियो नहीं रोकूंगा ताकि आपको वीडियो फेक ना लगे। आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं डाले जाते हैं, जो भी वीडियो डाले जाएंगे आपके भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए डाले जाएंगे, ठीक है, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। आप मेरे चैनल पे विजिट करके एक बार जरूर देखिए। हर घरेलू डिवाइस, हर घरेलू गैजेट जो भी है, फैन, टीवी, बॉल, स्टेबलाइजर, वॉशिंग मशीन, हर चीज, मैं अभी इतना ही पहन देता हूँ, आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए स्पीड कितना अच्छा है, तुरंत स्पीड उठा। स्पीड चेक करने का तरीका यही है, फैन अगर धीरे धीरे स्पीड उठाए तो ठीक नहीं है, फैन तुरंत स्पीड आए तो ठीक है। जैसे देखिए तुरंत स्पीड आ गया, ठीक है, तो ये अच्छा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमी हो तो जरूर सुझाव दें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।